हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। रमज़ान हो और चिकन कटलेट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इजी पीजी चिकन कटलेट की रेसिपी। तो जल्दी से आप ये रेसिपी को नोट डाउन कीजिए, इसको बनाइए और मुझे वापस कमेंट में आकर के बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चिकन कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। इसमें आपके अराउंड 20 पीसेस हो जाएंगे। आप 250 ग्राम चिकन भी ले सकते हैं, आपको 10 टू 12 पीसेस अगर बनाने हैं तो। चिकन पीसेस को मैंने एक पैन में ले लिया है जिसमें कि थोड़ा पानी ऐड किया है और मैं डालूँगी 1 टीस्पून तक नमक। और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। 3 टू 4 मिनट बॉईल होने के बाद हम अपने चिकन पीसेस को निकाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे, या आप हाथ से श्रेड भी कर सकते हैं। अब मैं चिकन को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज ले लिए हैं जिन्हें मैश करके चिकन के साथ मिक्स किया है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, चॉप्ड कोरिएंडर एंड चॉप्ड ग्रीन चिलीज। लास्ट में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल या घी जिससे कि हम अपनी चिकन को अच्छे से बाइंड कर पाएंगे। इन सब को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक एक करके अपने कटलेट को शेप दे देंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 eggs ले लिए हैं और 4 to 5 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। मैं इन कटलेट को एग में डिप करके ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट कर लूँगी और इस तरह से मैं अपने सारे कटलेट तैयार कर लूँगी। कटलेट सारे रेडी होने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। फाइव हंड्रेड ग्राम चिकन और 4 बॉयल्ड पोटैटोज से आपके अराउंड 20 पीसेस बनेंगे। ये कटलेट बना करके आप उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो हमारे कटलेट फ्राई हो चुके हैं और ये खाने के लिए एकदम रेडी हैं। ये कटलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।